तो देखो गाइस, जब से फ्री फायर में M87 यानी कि दो गोली वाली शॉटगन आई है ना, तब से भाई M1014 की तो इज्जत जीरो बटा लुल हो गई है। और गाइस जो भी बंदे M10 चलाते हैं ना, वन टैप लगाने के लिए नहीं चलाते भाई, सिर्फ और सिर्फ बॉडी मारते हैं भाई। बंदा देखते ही छह की छह गोली बॉडी शॉट लगा देते हैं। और भाई वन टैप लगाने तो M1014 से कौन वन टैप लगाता है, वन टैप तो भाई M87 से लगाते या फिर डेजर्ट ईगल से लगाते हैं। लेकिन भाई मैं आपको एक बात बता देता हूं, M1014 से ना वन टैप लगाना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। बस एक बार M1014 से वन टैप लगना स्टार्ट हो जाते हैं ना, फिर तो भाई सब क्या ही कहना, इससे बल्ले बल्ले हो जाते हैं। वैसे थोड़ा जज्बातों में बह गया था, वैसे क्या ही करे यार, M10 के मजे ही कुछ अलग है। तो गाइस यार ऐसे ही M10 से वन टैप के मजे आप भी बड़ी आराम से उठा सकते हो, बस इस वीडियो को ना पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको M1014 से वन टैप लगाने की ऐसी कमाल धमाल टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिससे आपके वन टैप बड़े खतरनाक लगने वाले, ठीक है। और हां गाइस, चैनल पे अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारे 350,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट होने वाली, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना। और भाई मेरे को एक बात ना सच्ची सच्ची कमेंट करके बता देना, M10 से बॉडी ज्यादा मारते हो ना। अरे हाँ हाँ मुझे पता है यार, बता दीजिए कमेंट में, भाई से क्या शर्माना। खैर छोड़ो गाइस यार, वैसे मजाक सेट के स्टार्ट करते हैं भाई फर्स्ट टिप से, जो कि है ड्रैग वर्सेस वन टैप। तो देखो गाइस यार, वन टैप और ड्रैग में ना जमीन और आसमान का फर्क है। अभी देखो यार, ड्रैग किसको बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप फायर बटन को ड्रैग करते रहते हो और छह की छह गोली बैक टू बैक चलाते रहते हो ना, तो उसको बोलते हैं ड्रैग हेडशॉट। ऐसे में ना आपके हेडशॉट लगने के चांस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। और गाइस यार M1014 चलाने वाले ज्यादातर बंदे ड्रैग हेडशॉट को ही ट्राई करते हैं और फिर बोलते हैं भाई मेरे से वन टैप नहीं लगता, तो कहां से लगेगा यार, आपको वन टैप हेडशॉट ट्राई तो करना पड़ेगा ना। डर के मारे हमेशा आप 6 की 6 गोली चला देते हो और ड्रैग करते रहते हो, तो भाई इसको ड्रैग हेडशॉट बोलते हैं, वन टैप नहीं बोलते। तो देखो भाई सीधी सी बात है, आपको चूज कर लेना है कि आपको करना क्या है, ड्रैग हेडशॉट लगाते जाना है, 6 की 6 गोली धर देनी है, या फिर एक ही शॉट में बंदे को ढेर करना है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको वन टैप प्लेयर बनना है M1014 से वन टैप लगाने, तो भाई आपको ड्रैग हेडशॉट को भूलना पड़ेगा, बैक टू बैक 6 गोली चलाना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस यार अभी बात लेते हैं सेकंड टिप की, जो कि एम का जलवा। तो देखो गाइस यार, M1014 से वन टैप हेडशॉट लगाने के लिए एम को हर बार सही जगह पर रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिना एमिंग के आप वन टैप हेडशॉट नहीं लगा सकते। और वैसे भी गाइस यार मुझे पता है कि आजकल ना बंदे वीव्स के लिए कुछ भी बोल देते हैं भाई, एमिंग के नाम पे हग देते। तो देखो भाई मैं आपको बता देता हूं, आपको ना कभी भी अपने एम को ना एनिमी की बॉडी पर नहीं रखना है, क्योंकि देखो भाई फ्री फायर के कंट्रोल सेटिंग में डिफॉल्ट एम नाम की भी कोई चीज है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एम एनिमी की बॉडी पर बहुत ही गंदा वाला चिपक जाता है, और एनिमी की बॉडी से एक बार चिपकने के बाद वो हटता नहीं है, ठीक है। और अगर आप अपने एम को एनिमी की बॉडी से इतना नीचे रखोगे और फिर फायर बटन को सीधा ड्रैग करोगे, तो भाई फिर वही बात होगी, या तो एम एनिमी की छाती पर चिपक जाएगा या फिर एनिमी के पैरों पर। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, आपको अपने एम को एनिमी की बॉडी पर भी नहीं रखना और एनिमी के पैरों के नीचे भी नहीं रखना, आपको अपने एम को ना हमेशा एनिमी की बॉडी से लेफ्ट साइड की ओर रखना है। और यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर एमिंग का जलवा देख भी सकते हो भाई, एम को लेफ्ट में रखकर फायर बटन को राइट साइड से रोटेशन ड्रैग देके भाई बड़े आराम से वन टैप लग जा रहे हैं, ठीक है। तो गाइस यार यही सेम चीज आपको भी करनी है, बंदा देखते आपको एकदम फटाक से अपने एम को ना एनिमी की बॉडी से लेफ्ट राइट की ओर ला देना, ठीक है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं, यहां पर आप देख ही सकते हो भाई, बंदा देखते मैंने अपने एम को लेफ्ट में ला दिया और उसको रोटेशन ड्रैग देके चटक से वन टैप चिप दिया, ठीक है। और भैया रुको जरा सबर करो, इसके बाद मेरे को एक और बंदा दिखा, उसमें भी मैंने अपने एम को लेफ्ट में रखा, रोटेशन ड्रैग देके उसको भी वन टैप चिप दिया। तो भाई बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपको अपने एम को बस एनिमी की बॉडी से लेफ्ट में रखना है, एम चाहे रेड हो या फिर व्हाइट हो उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं भाई थर्ड टिप की, जो कि घुमाने वाला ट्रैक। जी गाइस यार आपने बिल्कुल सही सुना, अभी देखो गाइस अगर आपको M1014 से हर शॉट बंदे को वन टैप चिपकाना है ना, फिर भाई आपको फायर बटन को सीधा ड्रैग करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गाइस यार एक तो ये फायर बटन को सीधा ड्रैग करने की टेक्निक काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, दूसरी बात यार आप ना किसी भी मूवमेंट करने वाले बंदे को सीधा ड्रैग करके वन टैप नहीं चिपका सकते। और वहीं पर गाइस अगर आप फायर बटन को थोड़ा सा घुमाव देके रोटेशन देते हुए, यानी कि थोड़ा सा नीचे फिर राइट साइड से घुमाव देते हुए एनिमी के हेड की तरफ ड्रैग दोगे ना, फिर भाई बंदों को ना किसी भी सिचुएशन में वन टैप हेडशॉट लगाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो गाइस यार सिंपल सी बात है, पहले आपको अपने एम को एनिमी की बॉडी से लेफ्ट में रख देना, फिर फायर बटन को हल्का सा नीचे खींचते हुए राइट साइड से रोटेशन ड्रैग दे देना है एनिमी के हेड की तरफ, और बूम गाइस यार बंदे को ना M1014 से बड़े आराम से वन टैप लग जाएगा। और हां भाई मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, रोटेशन ड्रैग देने की स्पीड को ना अच्छा खासा रखना पड़ेगा, मतलब फायर बटन को काफी ज्यादा तेजी से रोटेशन ड्रैग देना पड़ेगा, क्योंकि बंदा काफी ज्यादा क्लोज रेंज में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपको अपने फायर बटन को हमेशा रोटेशन ड्रैग देना है, घुमा के ड्रैग देना है, कभी भी फायर बटन को सीधा ड्रैग नहीं देना है, ठीक है। तो गाइस यार अभी बात कर
थे हमारी फोर टिप की, जो कि रिकॉइल का लोचा। तो देखो गाइस यार, मुझे पता है कि M1014 चलाने वालों को ना हमेशा रिकॉइल की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है। यार मेरी M10 रिकॉइल कर गई जिसकी वजह से मैं मर गया, ये हो गया वो हो गया। तो देखो गाइस यार, ये रिकॉइल की प्रॉब्लम ना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, इसको बड़ी आसानी से फिक्स कर सकते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहली बात तो M10 की रेंज बहुत ही ज्यादा कम है, तो आपको बहुत ही क्लोज रेंज में जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको ना कभी भी M1014 से बैक टू बैक 5 से 6 गोली नहीं चलानी। अगर आप बैक टू बैक 5 से 6 शॉट चलाओगे तो सिंपल सी बात है, आपकी गन बहुत ही ज्यादा रिकॉइल होगी। और गाइस यार तीसरी चीज, आपको ना कभी भी फायर ब्रिगेड को ड्रैग देते टाइम जॉयस्टिक को टच नहीं करना। ये जो लेफ्ट साइड में आप नीचे देख पा रहे होगे जॉयस्टिक, जिसको आप बार बार खींचते रहते हो, इसको आपको कभी भी टच नहीं करना जब भी आप फायर ब्रिगेड को ड्रैग दे रहे हो। अरे एक सेकंड भाई, ये मोहतरमा कौन है भाई? अरे भाई साइड में हटो, मुझे वीडियो बनाना है। अच्छा हाय करना है, ये लो मैंने कर दिया हेलो। अभी अभी बोलो अभी क्या है भाई, थोड़ा साइड में हटो। ये मुक्का मार के कहां बुला रही है भाई, ये क्या कर रही है? अरे भाई इसको तो मेरे साथ कॉफी पीनी है, क्या बात है भाई। चलो मेरा तो काम बन गया और मैंने आपका भी बना दिया भाई। तो जाइए सारी टिप को यूज कीजिए, फॉलो कीजिए और M1014 से बंदों को दबा दबा कर वन टिप चिपकाइए, ठीक है। तो बस गाइस यार ये था हमारा वीडियो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी रॉ टेस्ट।